फिलहाल के लिए तो हमें जाने वाले मुंबई अहमदाबाद कवर करिए, मुंबई शिरडी कवर किए, मुंबई गोवा कवर किए। यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रैंड सीटिंग अरेंजमेंट है। मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब यांचं आगमन आहे। वंदे भारत का क्रेज इज जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। सो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। सो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या कवर करने आए एंड हमने हमारा वो टी शर्ट पहन लिया है जो हम लोग हर वंदे भारत ट्रेन में पहनते हैं। विकी ने भी सेम टी शर्ट पहना, आपको मिरर में अगर दिख रहा होगा तो। सो आज हम लोग आए हैं जलना। जलना की ये फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन है जो जलना से मुंबई रन होगी एंड वापस मुंबई टू जलना भी रन होगी। मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी। मुंबई की ये 5th वंदे भारत ट्रेन है। जैसे हमने मुंबई अहमदाबाद कवर करी है, मुंबई शिरडी कवर किए, मुंबई गोवा कवर किए, बस मुंबई सोलापुर कवर नहीं किया एंड ये मिला के 5th मुंबई से वंदे भारत की ट्रेन मतलब हो जाएगी। तो आज हम लोग इनॉग्रल जर्नी के लिए आए हैं। आज टोटल 6 वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रल होने वाला है। मोदी जी अयोध्या से डायरेक्टली फ्लैग ऑफ देंगे एंड 2 अमृत भारत यानी जिसको वंदे साधारण बोलते हैं वो ट्रेन का भी इनॉग्रल होने वाला है। यहाँ पे काफी सारी तैयारी हो गई, आप देख सकते हो, डेकोरेशन वगैरह हो गया, रेड कारपेट बिछा दिया है। बट यहाँ के जो शोज वगैरह होने वाले ना वो बाहर होने वाले, तो मैं बाहर जाके आप लोगों को वो जितना पॉसिबल होगा दिखाऊंगी। एंड गोवा के बाद हम लोग आज ये इनॉग्रल मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हम लोग ने इसके बीच में कुछ इनॉग्रल नहीं किया। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। इस ट्रेन की क्या प्राइसिंग है, कितना टाइम लगेगा मुंबई पहुंचने के लिए, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या फूड मिलेगा, वो सारी चीजें आप लोगों को इस जर्नी में इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी बाहर चल के बाहर का डेकोरेशन वगैरह कैसे, वो सारी चीजें कंटिन्यू करते चलेगा। ये हमारी ब्रांड न्यू वंदे भारत खड़ी है एंड अभी मैं आप लोगों को बाहर लेके चलती हूँ जहाँ पर सारे शोज वगैरह होने वाले हैं, सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। सब कुछ स्टेशन के बाहर रखा है ताकि अंदर ओवर क्राउडेड ना हो। नॉर्मल पब्लिक, रेगुलर पब्लिक अंदर बाहर कर ही रही है, इसके लिए सारे शोज को बाहर रखा है। तो अभी बाहर चल के कंटिन्यू करते हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर तो अयोध्या से फ्लैग ऑफ देने वाले हैं बट श्री राव साहेब पाटिल दनवे सर जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं मतलब फ्लैग ऑफ करने के लिए। तो आएंगे, अगर मुझे पॉसिबल होगा तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी तैयारी हो चुकी है। स्टेज शो की हर जगह पर बैनर लगा हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया 6 वंदे भारत, 2 अमृत भारत ट्रेन। तो मेरे से जलना वाला पॉसिबल था तो मैं वो कवर करने के लिए आई हूँ एंड काफ़ी बड़ा सीटिंग अरेंजमेंट है। मैं वहाँ जाके थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ। क्या क्या शोज होगा आपको सब कुछ डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस व्लॉग पर। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 6 वंदे भारत का इनॉग्रल है आज। तो यहाँ पे जो मतलब अभी जैसे कोयम्बटूर का दिख रहा है, जालना का दिख रहा है, यहाँ पे नेम नहीं लिखा है, दोनों ये कहाँ का है। तो जैसे जैसे विजुअल्स आ जाएंगे मतलब यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रैंड सीटिंग अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो। मतलब काफी लोगों के लिए, लोकल पब्लिक के लिए है, ऑफिसर्स के लिए है, मीडिया वालों के लिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग से। एंड पूरा स्टेज मतलब अच्छे से डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है। लेकिन आई डोंट नो कि मैं शो दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि 9:30 को हम लोगों को बोला है कि ट्रेन में चढ़ जाना है क्योंकि डोर्स लॉक हो जाएंगे। आई एम नॉट श्योर बट अगर पॉसिबल होगा तो बाहर आके आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी ये सारा शोज एंड ऑल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया विविध चॅनलचे प्रतिनिधी सुद्धा या ठिकाणी सुंदर असं दृश्य टिपण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांचंही मी रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने शब्द सुमनाने स्वागत करतो। स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, आप देख सकते हो, परफॉर्म करने के लिए एंड देखने के लिए भी। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि शायद हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे एंड हम लोगों को अभी इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जाके अपने अपने सीट्स पर बैठ जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग ड्रेसअप होके आए हैं बट मैं शायद नहीं दिखा पाऊंगी। मतलब अभी पहले ट्रेन में जाते अगर वहां से मौका मिला सब सामान वगैरह रख के वापस आने का तो मैं पक्का आऊंगी, क्योंकि मुझे खुद को भी देखने का बहुत एक्साइटमेंट है। बट अभी फिलहाल के लिए तो हमें जाने वाला है, तो वहां जाते हैं। अंदर का ट्रेन का आपको इंटीरियर्स वगैरह सब कुछ दिखाती हूँ। अभी हम लोग हमारे कोच में आके बैठ चुके हैं। ऐसे तो बहुत सारे वंदे भारत में मैंने आपको अंदर के फीचर्स बताए हैं, लेकिन फिर भी इनॉग्रल में आया तो मैंने सोचा वापस बताती हूँ। नॉर्मल जैसे आपको ये चाहिए तो आप इसको साइड कर सकते हो। दिस इज ट्रे टेबल, खोलोगे तो आपकी ट्रे आ जाएगी। एंड देन यहाँ पे अगर आप कुछ बुक्स वगैरह रखना चाहो, कुछ मतलब आपका एक्स्ट्रा कुछ सामान रख सकते हो। दिस इज फूड रेस्ट, बॉटल होल्डर, आपके पास पानी का बॉटल है तो आप रख सकते हो। यहाँ पे नीचे चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया हुआ है, वो आप यूज कर सकते हो। दिस इज कर्टन्स, ऐसे ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा एंड जोर से प्रेस करोगे तो बंद ही हो जाएगा। प्लस ये लाइट्स, यहाँ पे लाइट्स एंड यहाँ पे आपका लगेज रखने के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। अगर आप लोग लगेज रखना चाहो तो रख सकते हो। 2x3 का कॉम्बिनेशन है। अभी हम लोग चेयर क्लास में बैठे, अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ का इस ट्रेन का आपको एग्जीक्यूटिव भी दिखाऊंगी, वरना फिलहाल तो चेयर क्लास से इतना ही। अभी एग्जीक्यूटिव क्लास में आ गए। इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास में सीट कवर्स अलग नहीं है, ब्लू कलर्स ही है एंड 2x2 का कॉम्बिनेशन है। बस एक मेन फंक्शन है जो ये सीट रोटेशन वाला जो फंक्शन है जो आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में देखने मिलेगा, बाकी नॉर्मल चेयर क्लास में नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाकी आपका स्पेस, लाइटिंग, चार्जिंग वगैरह सब कुछ सेम ही फंक्शन है, जैसे चेयर क्लास में सारा फंक्शन सेम ही है। चलिए अभी फिलहाल इतना ही, बाकी जैसे ही ट्रेन चालू होगी तो आपको बाकी की सारी चीज़ें बताएंगे। हॅलो, या प्रसंगी अगदी थोड्याच वेळामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचं आगमन या ठिकाणी होणार आहे। तत्पूर्वी या ठिकाणी आलेले सर्व मान्यवर यांचे शब्दसुमनाने मी रेडिओ प्रशासनाच्या वतीने स्वागत करतो। वापस वो फंक्शन वाले एरिया में आए थे जहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाले, बट पब्लिक तो काफी बढ़ गई है वापस, लेकिन फंक्शन अभी तक चालू नहीं हुआ एंड हम लोगों को बोला है कि ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो हम लोग यहीं पे रह जाएंगे। इसके लिए हम लोग वापस जा रहे हैं एंड काफी ये ब्रोशर मिला फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन का। इसके बारे में मैं आप लोगों को ट्रेन में अंदर जाके मतलब थोड़ा फ्रेश होकर, मतलब थोड़ा रिलैक्स होकर मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। हमारी ट्रेन अभी जस्ट जलना से निकल चुकी है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब लोग अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर आराम से खड़े हैं। बहुत सारी वंदे भारत ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, बट पीपल अभी भी उतना ही एक्साइटेड होते हैं एंड जलना का फुल स्टेशन कवर्ड है। ये देखिए आप, भीड़ देखो यहाँ पे। ओ गॉड, फंक्शंस दिखा नहीं पाए क्योंकि हम लोगों को अलाउड नहीं किया। हम लोगों को बोला बस ट्रेन में जाके बैठ जाओ। ऊपर देखो ब्रिज भी पूरा भरा हुआ है। अभी आगे जितने भी स्टॉप्स वगैरह आते हैं मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ। फूड वगैरह आएगा वो भी सारा कुछ बताती हूँ। थैंक यू। ऐसे रोज तो मुझे कभी विकी ने भी नहीं दिया अपने लाइफ में। मुझे भी तूने नहीं दिया। ट्रेन चालू होते ही हमारा स्वागत चालू हो गया, वरना हम 2 घंटे से तो ट्रेन में बैठे ही थे। कुछ फंक्शन, शोज, सेलिब्रेशंस देखने नहीं मिला, बट अभी इसमें जो आगे जर्नी में जो भी कुछ अच्छा होगा वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्रेन चालू होते ही रोज़ मिल गया, फिर ये मग मिल गया, ये इसके अंदर था बॉक्स के अंदर मग मिल गया। देन ये हमें एक फाइल फोल्डर एंड स्क्रिबलिंग बुक जो पैड बोलते हैं, नोटिंग पैड, वैसा एक ये मिला है। साथ में स्नैक बॉक्स आ गया हमारा। सुबह 5 बजे से हम लोग यहाँ पे पहुँचे एंड अभी यहाँ पर अभी हम लोग फ़िलहाल अभी खाएंगे। इसमें ऑप्शंस क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे, गुलाब जामुन, चोकोपाई, कचौरी, सैंडविच एंड इसके बाद तो अभी बस फूड सफ़रनामा बोलते हैं ना, फूड खाना जो भी है, फूड का सफ़र शुरू हो गया वंदे भारत में। अभी इसके बाद और भी कुछ जो जो आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगी एंड इसका अगला स्टॉप अभी हमारा औरंगाबाद है। वहाँ पर कुछ है क्या तो वो भी आप लोगों को देखने मिलेगा। हम लोग औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। औरंगाबाद में ट्रेन से नीचे उतरने नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारा लोडिंग अनलोडिंग चल रहा है यहाँ पे। अगर आप लोगों को केव्स, फोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट होगा, आप लोग ने सुना होगा औरंगाबाद में, मतलब आप लोग आके घूम सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, डे रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो। तो ये ट्रेन उसके लिए एकदम बेस्ट है। आप लोग डे नाइट में जैसे ट्रैवल करना चाहो कर सकते हो, जलना से या फिर मुंबई से। अभी आगे भी बहुत सारी भीड़ है, बट आई एम सो सॉरी मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि इतना क्राउड है ना, मुझे नीचे ही नहीं उतरने मिल रहा है। ट्रेन चलेगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी औरंगाबाद से हम लोग निकल चुके हैं एंड यहाँ पे भी आप देखो सब लोग मोबाइल वगैरह लेकर खड़े हैं एंड काफ़ी भीड़ है। मैं ट्रेन से उतर नहीं पाई क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा लोडिंग अनलोडिंग चल रहा था, बट आगे आप लोगों को भीड़ एकदम अच्छे से दिखाई देगी। वंदे भारत इतनी सारी हो गई, बट लोगों का क्रेज़ अभी तक वैसा का वैसा ही है। ये देखो एवरीवन, मतलब कोई भी एज के हो, सब लोग मोबाइल लेकर खड़े हैं। 5-6 स्टेशन है, कुछ 6.5 घंटे की जर्नी है ये हमारी ऑलमोस्ट। मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे देखो बैंड बाजा वगैरह भी बज रहा है, अभी बज रहा है, जब हमारी ट्रेन निकल चुकी है तब। कैमरे में आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं। ये देखो फूल वगैरह डाल रहे। ओ माय गॉड क्या क्राउड है। सही है, चलिए अब आगे चल के इसको कंटिन्यू करते हैं। वॉशरूम में हूँ अभी। ऐसे तो मैंने बहुत सारे वंदे भारत ट्रेन के वॉशरूम बताए, यहाँ पे भी वही सारी चीजें। यहाँ पे आपको हैंड ड्रायर मिल जाएगा, सोप डिस्पेंसर, वॉश बेसिन, नीचे डस्टबिन, इस बाजू में टॉयलेट सीट्स है, टिश्यू पेपर है, फिर फायर एक्सटिंग्विशर, एयर फ्रेशनर वगैरह जो बाकी सारे वंदे भारत में होता है वैसे वैसे ही सब कुछ है। अभी सब कुछ क्लीन है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो चलिए अब बाहर चलते हैं, बाकी की सारी चीजें आप लोगों को बताते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया जलना से निकले हम लोग औरंगाबाद पहुंचे हैं। अभी औरंगाबाद के बाद जो भी स्टेशन है ना वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे। आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो कि अगर नॉर्मल जब कमर्शियल ट्रेन चालू होगी तो सुबह 5 बजे यहाँ से निकलेगी जलना से, एंड 11:55 को ये आपको मुंबई CSMT छोड़ देगी। एंड रिवर्स में भी आप देख सकते हो, CSMT से 8:30 बजे शुरू होगी, तो नहीं CSMT 1:30 बजे शुरू होगी, रात को 8:30 बजे जलना पहुँचा देगी। सॉरी फॉर दैट। प्राइसिंग वगैरह मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड अभी ये मत सोचना कि मैंने सब डिटेल्स बता दी, बहुत सारी चीजें बचा है। फूड नामा अभी तो मतलब हमारा लंच आएगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड मेन जो बेनिफिट है ये ट्रेन चालू होने से, टूरिज्म बूस्ट होने का। यहाँ पे देखो जलना में जो फेमस चीज़ है राजपुर राजूर गणेश टेम्पल करके जो है, फिर औरंगाबाद में अजंता एलोरा जो केव्स है, फिर महाराष्ट्र में जो ज्योतिर्लिंग है, वो सारी चीज़ें। मतलब अगर आप मुंबई जलना से मुंबई आ रहे हो तो सिद्धिविनायक टेम्पल, मुंबई के जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, वो सारी चीज़ें आप लोग आराम से इजीली ट्रैवल कर कर देख सकते हो। प्लस यहाँ पे से अभी जैसे 5 स्टेट्स ऑफ मतलब महाराष्ट्र में 5 डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो गया, जैसे जलना, औरंगाबाद, नासिक, ठाणे, मुंबई। मतलब आप लोगों को नासिक वगैरह भी जाना है तो भी ये ट्रेन कन्वीनियंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एकदम लग्जरी भी हो जाएगा आप लोगों को, टाइम भी कम लगेगा एंड आराम से भी आप लोग जा सकते हो। अगर फैमिली है तो सेफ्टी भी फुल रहेगी आप लोगों के साथ। तो अभी बस इसके बाद जो भी स्टेशन आएगा कुछ वहाँ पर इंटरेस्टिंग हुआ तो वो बताऊँगी, लेकिन मेन बहुत सारी चीजें यहाँ पर अभी और आप लोगों को देखने मिलेगी। तो ये मत सोचना कि खत्म हो गया, बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग पर एंड तक। लंच आ गया हमारा अभी, एंड इनॉग्रल में यही फायदा होता है, मतलब एक के बाद कुछ ना कुछ खाना आते रहता है। एंड ये वाले रूट पे मैं एक्चुअली इतना अच्छा खाना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये पनीर की सब्जी है, ये भी काफी अच्छा, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया। ये बैंगन की सब्जी है, भरता काइंड ऑफ कुछ है, ये भी काफ़ी अच्छा है। दाल तो एकदम ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड मुझे लगता है दाल, मुझे सब जगह की दाल अच्छी लगती है। भिंडी फ्राई दिया उन्होंने, भिंडी ड्राई इनफैक्ट इसको बोल सकते हैं। जीरा राइस, अचार, रोटी एंड दही। रोटी भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब बोलते हैं ना जैसे अपन घर की रोटी होती है नरम सॉफ्ट, वैसी रोटी है। एंड इस व्यू के साथ तो खाना कुछ भी वो अच्छा ही लगने वाला है। तो बस अभी फूड को एंजॉय करते हैं, एंड साथ में दही भी दिया, मैं शायद बताना भूल गई। फूड को एंजॉय करते हैं एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मनमाड़ जंक्शन पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आप लोग मनमाड़ आ रहे हो ना तो आप लोगों को यहाँ से शिरडी नजदीक हो जाएगा, मतलब दिस इज ऑल्सो द बेस्ट पार्ट। ये ट्रेन चालू हुई है तो, एंड यहाँ पे भी डेकोरेशंस वगैरह तो की हुई है, बट कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है इधर। बट ट्रेन चलेगी तो मैं आप लोगों को आगे का दिखाने की कोशिश करूंगी, आगे जाने की कोशिश करती हूँ। क्राउड कम है काफी, यहाँ पे बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इनफैक्ट इन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन अरेंज की है वापस रिटर्न जालना जाने के लिए। बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर उतर जाएंगे अभी। बट मैं देखती हूँ आगे जाके कुछ दिखाने जैसा होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो बलून्स वगैरह लगा रखे हैं ऑलरेडी। पूरा स्टेशन एकदम गचागच भरा हुआ है। आप आगे की साइड में काफी आगे आई हूँ, एकदम पूरा क्राउड है। वंदे भारत का क्रेज इज जस्ट लाइक एनीथिंग। ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही वंदे भारत ट्रेन चल रही है, ऐसा जैसे फर्स्ट टाइम जो क्रेज था वही क्रेज है अभी भी। काफी क्राउड है, काफी। ट्रेन चलेगी तो पता चलेगा। सब चालू ही है। इनफैक्ट हर एक स्टेशन पर ये बैंड बाजा वगैरह सब कुछ था ही। नासिक में भी मैंने मतलब क्लिप्स लिए हैं, मैं नीचे नहीं उतरी थी, बट आप लोगों को क्लिप से पता चलेगा। आगे बहुत भीड़ है, मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ, ट्रेन नहीं निकल जाए बस। सब लोग एकदम अच्छे से फोन वीडियो वगैरह लेकर मतलब अपना कैमरे के साथ शूटिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग पूरा दादर तक नहीं जा रहे हैं एंड अभी नेक्स्ट स्टेशन थाने आएगा तो हम लोग थाने उतर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट है भाईंदर जाने के लिए, इजी भी हो जाएगा। तो अभी मतलब हमारी ओवरऑल जर्नी अच्छी रही। मतलब वंदे भारत तो मुझे हमेशा अच्छी लगती है एंड इधर का फूड जैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फूड काफ़ी अच्छा था। बट एक डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब हमने 2 बजे लंच किया तो मैंने सोचा शाम को कुछ स्नैक्स या फिर टी ऐसे आएगा, बट नहीं आए, सिर्फ उतना ही। बाकी तो और कुछ नहीं है। मतलब अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये रूट जो जलना से मुंबई के लिए ये वंदे भारत स्टार्ट किया है वो आप लोगों को बेनिफिशियल लगता है या फिर नहीं लगता है। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मतलब आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करोगे नहीं करोगे या जो भी है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है, आपका क्या फीडबैक है। मेरे को तो लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल है, टूरिज्म अट्रैक्ट होगा दोनों साइड से, मतलब जलना में भी एंड बीच में औरंगाबाद जैसे अजंता एलोरा आपको जाना है, नासिक जाना है, नासिक के लिए भी और एक ट्रेन हो गया। शिरडी अगर यू नो कौन सा स्टेशन आता है वो मनमाड, मनमाड हाँ, वो उस साइड से कोई आ रहा है मनमाड से तो भी मतलब ईजी हो जाएगा। एंड यहाँ के लोगों को मुंबई वाले अट्रैक्शंस देखना है तो वो भी हो जाएगा एंड सेफ्टी के साथ। एंड एक बार प्रीमियम वाइब्स वाला जो फील होती है प्रीमियम ट्रेन्स में वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल मतलब अगर नहीं किया है तो भी आप लोगों को एक बार करना चाहिए, किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोगों का क्या फीडबैक है इस रूट पर, स्पेसिफिकली ये ट्रेन चालू किया है उसके लिए। एंड अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव क्लास की जो प्राइसिंग है वो है कुछ अराउंड 2100 एंड चेयर क्लास जिसमें हमने ट्रैवल किया है उसका प्राइसिंग है कुछ 1100 रुपये। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि 360 डिग्री वो रोटेट हो जाती है सीट एग्जीक्यूटिव क्लास में, चेयर क्लास में नहीं होती है। तो बस इस ब्लॉग को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिए। अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स पर फॉलो नहीं किया तो कविक्स वर्ल्ड ये सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।